पहचान। दोस्तों आज हम शेरशाह की कबाड़ा मार्केट में मौजूद हैं और आज इस शॉप का विज़िट कर रहे हैं। यहाँ यूज़ में पंप मिलते हैं और ये सारे इम्पोर्टेड हैं, बाहर के हैं ये पंप, तो इसकी तमाम तफसील जानते हैं और यहाँ के शॉपकीपर जो हैं उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अपना नाम बताइएगा। सर मोहम्मद नईम नाम है। जी भाई शॉप का नाम क्या है? शॉप का एम नईम एम वसीम के नाम से। एम नईम एम एम वसीम मोटर पंप समर सेबल सेल एंड सर्विस। थोड़ी सी शॉप की लोकेशन बताइएगा इसकी। लोकेशन सर ये मेन कबाड़ी मार्केट, कबाड़ी बाज़ार, पंखा होटल काफ़ी मशहूर है यहाँ पे शेरशाह में, तो वो उसका सामने ही मार्केट है। किसी से भी आप पूछोगे पंखा होटल शेरशाह कबाड़ी मार्केट, आप सीधा यहाँ पहुँचोगे। सर कुछ पंप दिखाएं ताकि हाँ कुछ व्यूअर्स को समझ में आए कि कौन से पंप हैं और किसके लिए काम आ रहे हैं। सर आ जाएँ फिर आपको, इसमें आइटम तो काफ़ी है, इसमें इटली भी है, स्पेन भी है और इंग्लैंड भी है, तो जो जिस किस्म का आप पंप बोलोगे वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, अवेलेबल है हमारे पास। जो घरों में यूज़ होते हैं लोगों के पंप, हाँ जी पहले उसको दिखा दें थोड़ा सा। सही है सर, घरों में फिर ये यूज़ होता है, मेड इन इटली, पेट्रोलो कंपनी 1 HP। जी ये नीचे टैंक से पानी उठा के ऊपर 5 मंजिल चढ़ाता है। अच्छा हाँ जी। इसकी बिजली की कैपेसिटी? बिजली की कैपेसिटी इसके सर बहुत कम है, जैसे अगर आपके वहाँ 170-180 वोल्टेज आ रहे हो तो ये इजीली चल जाता है। अच्छा। हाँ जी, और कम से कम बिल पाकिस्तानी पंप से बहुत बिल कम ही आता है इंशाल्लाह। अच्छा। ये पंप बोरिंग के पानी के यूज़ होता है या सरकारी पानी जो होता है तो उसके लिए भी चलता है? सर ना बोरिंग के लिए ना सरकारी, जैसे आपका नीचे टैंक बना हुआ है जी, टैंक से खींच के आपने ऊपर चढ़ाना है 2 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल 8 मंजिला। अच्छा। तो ये उसमें ज़्यादातर काम आते हैं। अच्छा, ये तमाम पंप उसमें काम आते हैं या ये उसमें बोरिंग में भी लग सकते हैं? बोरिंग के लिए भी अलग चीज़ आती है, उसमें ये देख लो आप, ये डेवी ऑस्ट्रेलिया कंपनी है जी, ये आपका लाइन से भी काम करेगा जी, और नीचे अगर 50-60 फीट 70 फीट बोरिंग है तो वो भी उससे भी काम करता है ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसका प्राइस क्या है यहाँ पर? सर प्राइस इसमें आपको एक चीज़ ये दिखाई, इसके प्राइस हैं 5.5 से 6,000 रुपये जी, बाकी इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट जो हमारा चैनल देख के स्पेशली आपके पास आए तो ये मेहरबानी कीजिएगा, उसका कॉपरेट कीजिएगा कि अच्छी चीज़ दीजिएगा बिल्कुल, और जो आपकी तरफ से डिस्काउंट हो सके वो कीजिए। सर इंशाल्लाह बिल्कुल, जो आपकी तरफ से आएगा तो इंशाल्लाह कॉपरेट करेंगे उसके साथ। और इसकी क्या प्राइस होगी? सर ये वाला पीस है ये 7,000 रुपये का पीस है, इसमें डब्बा पैक भी आते हैं जी, वो थोड़ा इससे रेट ज़्यादा है उनका। ये भी माल मुझे ओके लग रहा है बिल्कुल, मतलब कंडीशन वाइज भी ओके। सर कंडीशन वाइज भी ओके और इसमें पीस भी है सारा जेन्युइन माल है, तो इसमें लोकल वाइंडिंग होता है वो इतना चलने वाली चीज़ नहीं होती है, तो जेन्युइन होगा वो लॉन्ग लाइफ हो जाती है। जैसे अगर लोकल वाइंडिंग आप 2-3 साल चल रहे हैं तो ये 10 साल भी आराम से इजीली निकाल जाता चल जाएगा, चल जाता ही। अगर इस तरह के पाकिस्तानी जो पंप बने हुए आ रहे हैं वो महंगे हैं इससे ज़्यादा? हाँ जी वो महंगे, बिल्कुल महंगे। मैं समझता हूँ इसकी ये ज़्यादा ताकतवर रहेंगे इसका, ये इनका प्रेशर उसके उनके लिहाज से बिजली की भी बचत है, कम लाइट पर भी चल जाता है ये आपका, और प्रेशर भी उससे बहुत अच्छा है। देखिए असल में चैनल पे वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि लोगों को अच्छी चीज़, सही चीज़ और कहाँ से मिलती है ये तमाम चीज़ों को कन्वे किया जाए ताकि कस्टमर के लिए आसानी हो इसमें, है ना। और पंप थोड़ा सा दिखाइए करके सर। उसके अलावा उसके अलावा आप यहाँ आ जाएँ, ये देखो ये पड़े हुए हैं, बल्कि आप इनके वीडियो बनाओ, तो ये ग्रैंड फोर्स कंपनी है, मेड इन इंग्लैंड है ग्रैंड फोर्स 1 हॉर्स पावर, तो ये भी तकरीबन ऊपर अगर 4-5 मंजिल आपकी हाइट है जी तो उस पर भी आराम से इजीली पानी चढ़ा देता है, और इसमें 3 पंखे लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ है ये। इसमें इसका प्राइस क्या है? सर इसका प्राइस भी 6,500 रुपये हैं, बाकी जो आपके रेफरेंस जो आएगा तो इंशाल्लाह उसके साथ कोऑपरेट कर लेंगे। अच्छी बात है। अच्छा ये जो बड़े साइज़ में लगा हुआ है सर, बड़े साइज़ में भी ये है, ये 2x2 3 हॉर्स पावर, तो ये ज़्यादातर केमिकल, तेज़ाब, खारा पानी, रूह अफ़ज़ा, दूध, इन चीज़ों पे ये ज़्यादा चलता है क्योंकि ये पूरा स्टैंडर्ड स्टील है। अच्छा। अंदर से भी और बाहर से भी, तो ये ज़्यादातर इन कामों में यूज़ होता है। 1 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर इसमें बिजली की कैपेसिटी का क्या डिफरेंस है? बिजली का सर यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि जैसे अगर आप पाकिस्तानी पंप लगाते हो ऐसा ही बड़ा 3 हॉर्स पावर जो वो बिजली आपका खींचेगा, ये आपका बहुत कम उससे खींचेगा, बिल भी कम आएगा आपका और प्रेशर भी आपको उस पाकिस्तानी पंप से बहुत अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, मतलब
मतलब आम ही करें। अच्छा, जो आम मोटर पानी की लगी होती है, अगर हम उसकी जगह पे एक हाउस फॉरवर्ड का ये लगाएं तो आप क्या कहते हैं, बिजली में कमी आ जाती है? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं समझता हूँ बिजली की भी ताकत इसकी ज़्यादा अच्छी है, इसकी ज़्यादा अच्छी है। बहुत अच्छी बात है, इन चीज़ों का बहुत सारे लोगों को इतना तो मुझे इल्म में नहीं था, मैं भी इसी बात से निकला कि मैंने कहा लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी इस चीज़ की। बिल्कुल, शेरशाह मार्केट में काफ़ी अच्छे आइटम है, यूज़ में चीज़ मिल रही होती है लेकिन ओके होती है बिल्कुल ओके होती है। कहाँ कबाड़ा मार्केट सर जाता है? देखो हाँ, बिल्कुल कबाड़ा मार्केट बोला जाता है, लेकिन यहाँ वारंटी भी दी जाती है। अच्छा, ये नहीं कि चीज़ आपको दे दी कहानी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर चीज़ में कोई फाल्ट आता है, कोई 19-20 होती है, कोई भी मसला होता है, तो उसका रद्दो बदल की भी कहानी होती है। एक महीने की वारंटी देते हैं, 20 दिन तक की देते हैं। हाँ जी, और ये पीछे जो बड़े साइज़ में ये जो रखे हुए हैं, बड़े साइज़ में सर ये है वर्टिकल पंप, ये ज़्यादातर उनमें, हाँ जी, ये ज़्यादातर उनमें यूज़ होता है, जैसे आर ओ प्लांट हो गया, बॉयलर हो गया। अच्छा, ये उनके पंप है, ये बॉयलर आर ओ प्लांट जैसे पानी आप फिल्टर करते हैं, पानी फिल्टर के लिए, तो ये आइटम उसमें यूज़ होता है ज़्यादातर प्रेशर के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आपने लोकेशन भी बताई शॉप की, और अपना नाम भी बताया शॉप का नाम, नंबर बताइएगा सर। मेरा नंबर है जोंकर 0315 जी, 0315 255 1068 जी। ऐसा होता है कि कुछ लोग इतनी दूर आ नहीं सकते, कम से कम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल, ये होता है कि सारी चीज़ तय करने के बाद अगर आदमी आता है तो उसका टाइम कम लगता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पारियों से, बहुत ज़्यादा घूमने से बचता है। बिल्कुल, पहले बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि आप सिर्फ पंप ऐड ही करते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती है सर? उसके अलावा मेरे पास नया डब्बा पे एक समर पंप भी है। अच्छा, जो बोरिंग में यूज़ होता है। समर पंप? हाँ जी, नया डब्बा पे एक ज़्यादातर आता है, वो चाइना का माल है। अच्छा, तो अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो सर, आप इनके ये वीडियो बना दो। हाँ जी, पैडी पैक सर, खुले हुए, इसमें खुले वो बाहर पड़े जी। सर ये इनकी ये तरफ कौन से है? ये वाले, ये आइटम, ये वाले, ये कंपनी है, देख लो ये आ रहा है सुपर लिखा हुआ। समर पंप किस चीज का है सर? समर पंप ये बोरिंग के लिए यूज होता है, बोरिंग के लिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन्फॉर्मेशन देने का, लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, मैंने चाहा। अच्छा, और आपके लिए भी मेरी तरफ से तो बहुत बुरा है, क्योंकि जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना भी समझ में सकता है, जारी आई है। बिल्कुल, सही चीज़ गाइड करना, सही मशवरा देना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके सर।